कोतवाली असाइन में सीओ सुरेंद्र सिंह ने धर्म गुरुओं और आम जनता के साथ की बैठक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा प्रदेश में निकलने वाले धार्मिक जुलूस और लाउडो स्पीकरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको लेकर असाइन कोतवाली में हाथरस पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य के निर्देशन में सीओ सिकंदर राव सुरेंद्र सिंह और प्रभारी निरीक्षक श्याम सिंह के द्वारा असाइन कोतवाली क्षेत्र के सभी धर्म गुरुओं और आमजन के साथ बैठक कर सरकार के नए नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे में किसी भी नए धार्मिक जुलूस को परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर बिना अनुमति के किसी के भी द्वारा धार्मिक जुलूस निकाला गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कहीं भी कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर को तेज आवाज़ में नहीं बजाएगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाएँ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से बचाएँ। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप। ये किस संबंध में हुई थी? ये आज जो मीटिंग हुई है थाने में, ये जो रमजान चल रहे हैं उसके संबंध में हुई और सभी लोगों को अच्छी तरह से समझाया गया कि सभी लोग अपना इस त्यौहार को बड़ी हंसी खुशी से मनावें और हंसी खुशी के मनाने के साथ अगर कोई गलत आदमी होता है उसकी एका पुलिस में सूचना दें, उसके साथ कड़ी कार्रवाई होगी और उसको अच्छी तरह से, आजकल सरकार का कड़ा वो है, रुख है और प्रशासन का भी विशेष है, इसलिए कोई भी व्यक्ति गलती न करे। हार के सौहार्द के लिए हुई है, मगर दोनों त्यौहार पड़ेंगे 3 तारीख के, ईद और एक त्रयोदशी बता रहे हैं, तो उसमें जो है सभी लोग मोहब्बत से और इखलास के साथ सभी हिंदू और मुस्लिम आपस में सही मोहब्बत से मनाएं और सही पैगाम जावे। और सीओ साहब ने बताया कि अपने बच्चों वगैरह को जो भी है अपने शांतिपुर कस्बे को शांति में रखें, ये सब सीओ साहब ने अपने भाषण में बताया।